वेलकम टू फूड डायरी। आज की हमारी रेसिपी है चिकन शवरमा। तो चिकन शवरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है लेमन जूस 1 टेबलस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून, 2 to 3 cloves ऑफ गार्लिक, 2 inch piece ऑफ जिंजर, रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर 1 teaspoon, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, रेड चिली पाउडर 1/2 teaspoon, कोरिएंडर पाउडर 1/2 teaspoon, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड ऑयल। साथ में चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स। सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट को कट कर लेंगे। पहले इसको बीच से कट करेंगे और उसके बाद हम इसकी पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे इस तरह से हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। पूरे चिकन को हमें इसी तरह से स्ट्रिप्स में काट लेना है। इस चिकन का वेट है 300 ग्राम्स। इसको कट करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक बोल में आप चिकन डालिए। अब हम इसके अंदर गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को मैं पहले मिंस करके फिर उसको चिकन के अंदर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक की, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा था। अगर थोड़ी छोटी गार्लिक क्लोव्स हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। 2 inch piece ऑफ जिंजर मैंने ये भी मिंस कर लिया है और इसको भी मैं अब इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको बहुत बारीक फाइन चॉप करिएगा अगर आप चॉप कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स पिसी हुई, ज़ीरे का पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, योगर्ट एंड लेमन जूस, और सबसे एंड में अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी। 1 teaspoon सॉल्ट है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैरिनेट करके अब हम रख देंगे फॉर अबाउट 1/2 आवर और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर एक पैन में अब मैं अपना मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर डालूंगी और अब इसको कुक करूंगी। इट टेक्स अराउंड 15-16 मिनट्स टू कुक नाइसली, और 15-16 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। ज़्यादा ओवर कुक भी मत करिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। यहाँ पे मुझे चिकन को कुक करते हुए अराउंड 14-15 मिनट्स हो गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। अब मैं इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लूँगी और जो पीसेज मुझको थोड़े से बड़े लग रहे हैं उनको मैं और थोड़ा सा चॉप कर लूँगी, क्योंकि शवरमे में थोड़े बड़े पीसेज चिकन के अच्छे नहीं लगते, तो थिन स्ट्रिप्स होनी चाहिए। इस तरह से मैंने उनको भी चॉप कर लिया। अब हम बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1/4 कप मेयोनीज़ ली है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी ताहिनी सॉस। ताहिनी सॉस बेसिकली सेज़मी सीड्स, तिल का पेस्ट होता है। अगर आपके पास ताहिनी सॉस नहीं है तो आप थोड़े से तिल मिक्सर ग्राइंडर में लीजिए और उनके अंदर थोड़ा ऑयल डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए तो वो ताहिनी पेस्ट बन जाएगा। वैसे इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अब इसके अंदर मैं 2 क्लोव्स गार्लिक के ऐड कर रही हूँ सॉस के अंदर। गार्लिक से इस सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैंने मिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमारा सॉस रेडी है। अब एक पीटा ब्रेड लीजिए। मैंने यहाँ पर ब्राउन वाली पीटा ब्रेड ली है, आप वाइट वाली, ब्राउन वाली कोई भी ले सकते हैं, और इवन रुमाली रोटी में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है शवरमा, तो आप रुमाली रोटी में भी बना सकते हैं अगर पीटा ब्रेड नहीं मिल पा रही है। तो अब हम इसको सॉस को सबसे पहले स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसके ऊपर हम प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया और पार्सले मिक्स है इसके अंदर, दोनों चीज़ें इंडियन फ्लेवर्स को ध्यान में रखते हुए हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, अदरवाइज़ इसमें आप सिर्फ पार्सले डालिए। और थोड़ा सा टमेटो स्लाइसेस, क्यूकम्बर स्लाइसेस, और अब उसके अंदर मैं चिकन को डालूँगी। आप इसके ऊपर से भी मेयोनीज थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मेयोनीज ज़्यादा अच्छी लगती है तो, मैंने ऐड नहीं करी है। और साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़। अब हम इसको रोल कर देंगे और हमारा शवरमा रेडी है। चलिए अब हम एक और बना लेते हैं। इसी तरह से बीच से मैंने पीटा ब्रेड को कट किया और उसका एक पीस दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर और फिर उसके ऊपर सॉस लगाया।
अब इसके अंदर जो भी आपको वेजीज पसंद हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पिकल्ड क्यूकम्बर है तो वो तो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिंपल क्यूकम्बर को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट करके ऐड कर लिया है। इसके अंदर हेलपिनोज़ और ऑलिव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आपको जो पसंद है आप वो डालिए। ऊपर से चिकन पीसेस डालिए और चाहें तो आप इसमें मेयोनीज भी और डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस तरह से दबाते हुए रोल करिए, इस तरह से रोल कर लीजिए और ऊपर से एक टूथपिक लगा सकते हैं उसको कंसील करने के लिए। और लीजिए, हमारा चिकन शवरमा रेडी है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपका चिकन शवरमा कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।